नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ स्वाति। एक बार फिर एक ऐसी खबर लेकर हाजिर हुई हूँ जिसे सुनकर आप भी ताजुब मान लेंगे कि एक तरफ शासन प्रशासन गरीबों को आवास देने का वादा करता है, लेकिन इन्हीं आवासों के नाम पर जरूरतमंदों के साथ नटवर लाल ठगी कर रहे हैं। दरअसल मामला रीवा नगर निगम का है, जहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत EWS के फ्लैट आवंटन के नाम पर कई लोगों को ठगी का शिकार बनाया गया है। मामले का खुलासा उस समय हुआ जब धनतेरस के दिन अपने आसियाने की आस लगाए परिवार नगर निगम पहुंचे और उन्हें जानकारी हुई कि जो राशि उनके द्वारा जमा की गई है और उसकी रसीद मिली है वह फर्जी है। इतना ही नहीं, जिन कर्मचारियों ने पैसा जमा कराए हैं वह भी नगर निगम के कर्मचारी नहीं है। दरअसल ये पूरा खेल नगर निगम में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर तैनात रहा आशीष मिश्रा और अतुल सिंह नाम के युवक के द्वारा खेला गया था। अतुल सिंह शिकार फंसाता था और उसका सपोर्ट नगर निगम के कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम कर चुका आशीष मिश्रा करता था। जरूरतमंदों से इसी की बात कराई जाती थी जो नगर निगम का कर्मचारी बनकर बात करता था और मिलता था, जिससे सीधे साधे लोग इनकी बातों में अपनी गाढ़ी कमाई गवा दिए। दरअसल वार्ड नंबर 9 में रहने वाले सैलेन सिंह निवासी तिलखन और उनके चाचा ससुर सुनील सिंह का परिचित अतुल सिंह उनसे मिला, जो शिकार की तलाश में था। युवक ने सैलेन सिंह और सुनील सिंह को झांसे में लिया कि उसकी पहचान नगर निगम में अच्छी है, वह सस्ते में आवास उपलब्ध करवा देगा। चूंकि अतुल सिंह सुनील सिंह के परिचित थे, जिस पर विश्वास कर सैलेन सिंह ने बात पक्की कर ली और अतुल सिंह ने 50,000 की घूस की राशि के साथ अन्य राशि प्राप्त कर मकान दिलाने का वादा कर दिया। सैलेन सिंह को आसियाने की जरूरत थी, उन्होंने 70,000 रुपए व्यवस्था कर एडवांस के रूप में दिए, जिसे अतुल सिंह ने 50,000 घूस के नाम पर रख लिया और 20,000 की रसीद दे दी। उक्त पैसे 23 जून 2022 को जमा कराए गए थे। 20,000 की रसीद पाकर सैलेन सिंह निश्चित हो गए कि अब आगे की राशि एकत्र करना है और शीघ्र ही उन्हें शहर में आवास मिलेगा। 3 माह बीते ही थे कि आरोपी अतुल सिंह एक बार फिर उनसे मिला और बताया कि जिसके माध्यम से भवन मिलने वाला है आशीष मिश्रा, यह जानकारी दी है कि शेष राशि अब जमा करवानी है, जिसके बाद सैलेन सिंह ने 2,20,000 और जमा करा दिए, जिन्हें विधिवत नगर निगम की रसीद बुक की रसीदें दी गईं और बताया गया कि धनतेरस को उन्हें चाबी मिल जाएगी। नव दंपत गृह प्रवेश की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसे भवन नहीं मिला। जब वह नगर निगम पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे जानकारी हुई कि ना तो उसका कोई आवेदन है, ना पैसे जमा कराए गए और ना ही पैसा जमा करवाने वाले व्यक्ति कोई नियुक्त कर्मचारी हैं। यह भी पता चला कि वर्तमान में आशीष मिश्रा कंप्यूटर ऑपरेटर के पद में भी नहीं है। पीड़ित भागता हुआ अपने चाचा ससुर सुनील सिंह के पास पहुंचा और बात की तो अतुल सिंह ने आशीष मिश्रा कंप्यूटर ऑपरेटर का नाम लेकर लटकाने लगा और बताया कि उसके द्वारा ही रसीद दी गई है। पीड़ितों ने जब आशीष मिश्रा से संपर्क किया तो आशीष मिश्रा ने भी कहा कि रसीद फर्जी है। अब अतुल सिंह ने वादा किया कि कुछ समय के बाद या तो पैसा लौटा देगा या आवास दिला देगा, लेकिन इसी बीच सुनील सिंह को जानकारी हुई कि आरोपी अतुल सिंह और आशीष मिश्रा कई लोगों को चूना लगा चुके हैं। पैसे वापस करने की बात चल ही रही थी कि अचानक अतुल सिंह का मोबाइल भी बंद हो गया, तब पीड़ितों की और चिंता बढ़ी। इसी दौरान जानकारी हुई कि अतुल सिंह की बहन रीवा जनपद पंचायत के आसपास ब्यूटी पार्लर चलाती है, जिनसे पीड़ित मिले तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि नगर निगम में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर आशीष मिश्रा उनके भाई अतुल के साथ धोखा किया है और अपना पल्ला झाड़ लिया। पूरे मामले की जानकारी लेने के बाद जब विराट की टीम आशीष मिश्रा के मोबाइल नंबर में बात की तो आशीष मिश्रा मेरे कार्यालय पहुंच गया और उसने बताया कि अतुल सिंह से साधारण मुलाकात हुई थी, उनसे भी पैसे ले लिए हैं जो वापस नहीं कर रहा है, उसका इस ठगी में कोई रोल नहीं है। लेकिन आशीष मिश्रा की बातों को जब हमने रिकॉर्ड किया तो सच्चाई सामने आ गई कि जिसमें आशीष मिश्रा स्वयं स्वीकार कर लिया कि नौकरी छोड़ने के बाद भी वह लगातार सभी पीड़ितों के संपर्क में था और उसी के भरोसे दिलाने के बाद लोगों ने अतुल सिंह के पास पैसा जमा किए थे। अब आशीष मिश्रा स्वयं स्वीकार कर रहा है कि FIR होने के बाद जो होगा देखा जाएगा, लोगों के पास क्या प्रूफ है, जिससे सिद्ध होता है कि नगर निगम में पदस्थ कंप्यूटर ऑपरेटर आशीष मिश्रा और अतुल सिंह ने धोखाधड़ी कर लोगों की गाढ़ी कमाई लूटी है। इसी दौरान हमारी टीम को जानकारी हुई कि विमल प्रताप सिंह, जो रिटायर्ड आर्मी के जवान हैं, उन्हें भी अतुल सिंह ने झांसे में फंसाया था और आशीष मिश्रा से बात कराने पर पैसा जमा कराया था। कई बार विमल सिंह ने भी आशीष मिश्रा से बात की थी और उनका पैसा वापस कराया गया था।
पहले हम आपको सुनाते हैं विमल सिंह और हमारे चैनल हेड रामानंद पांडे के बीच हुई बात, जिसे सुनकर आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से अतुल सिंह और आशीष मिश्रा ने मिलकर लोगों की गाढ़ी कमाई ठगी है। इसके बाद आपको सुनाएंगे पीड़ित शैलेन सिंह और सुनील सिंह को, जिनके द्वारा बताया गया कि किस तरह से झांसे में लेकर उनकी गाढ़ी कमाई ठगी गई है और अब आजकल पर लटकाया जा रहा है। सिंह जी बोल रहे हैं। बिल्कुल सर, बताइए। रामानंद पांडे बोल रहा हूँ भाई साहब, विराट 24 न्यूज चैनल से। जी सर बोलिए। ये आपका नंबर मेरे को मिला था सुनील सिंह जी से। जी जी बताइए। एक्चुअली में क्या हुआ कि एक मामला आया है नगर निगम का, ये शैलेन सिंह जी हैं, उनको आवास लेना था, उनके नाम से कुछ ठगी की गई, तो पता चला कि उसमें कुछ और लोग हैं, जिसमें आप कोई पैसा जमा करवाया था लोगों ने, फिर ये वापस करवाया है। जी जी तो मैं जा रहा था भैया कि थोड़ा सा आप स्पष्ट करते किस तरह से आपसे संपर्क हुआ, फिर कैसे बात गई, फिर कैसे आपको जानकारी हुई कि हम ठगे गए किनके द्वारा। वो एक्चुअली क्या है कि हमारे साथ वो वॉलीबॉल खेलता था लड़का जी स्टेडियम में, तो हमको बोला कि दादा नगर निगम घर दे रहा है ऑन कैश। ये वॉलीबॉल कौन खेलता था? वही लड़का ये स्टेडियम में आपके। ये आशीष मिश्रा कि अतुल सिंह? अतुल सिंह। अतुल सिंह जी तो वही खेलता था, तो ऐसे बात बात में बोला दादा ये नगर निगम घर बेच रहा है जी, तो वो आजकल ऑन कैश मतलब कैश हुआ दे के डायरेक्ट दे रहा है। जी तो मैं बोला मुझे जरूरत नहीं है, पर बोला ठीक है रख लीजिए आप एक घर। जी जी तो मैंने उसको बताया कि मैं आर्मी से रिटायर हूँ, तो ऐसा कुछ लफड़ा तो नहीं है? तो बोला नहीं ऐसा कोई लफड़ा नहीं है, जिस जिनकी इनकम 30,000 से कम है हाँ तो वो ले सकते हैं। जी तो मैं बोला ठीक है कर देना जो भी प्रोसीजर होगा। जी तो मैं उसको पैसे दिए थे, उसने पहले 20,000 रुपए लिए थे, तो 20,000 की पर्ची दी थी जी, तो 2,00,000 रुपए और बाद में ले गया जी। तो उसने मुझे बोला था कि 25 दिन में आपका घर कंप्लीट हो जाएगा जी, मतलब मिल जाएगा। तो वो ऐसे करते करते 4-5 महीने हो गए जी। तो मैंने भाई बोला कि आप या तो मुझे पैसा दे दीजिए या फिर घर का करवा दीजिए। तो पहले वही वो टरकाते रहे कि चुनाव चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा। तो फिर मैं सख्त हुआ, तो मैंने पता करवाया जी। तो पता चला कि ऐसा कोई वही नहीं है, प्रोसीजर ही नहीं चालू है घर और का। आपकी रसीदें भी फर्जी हैं पता चला? हाँ रसीदें भी फर्जी थी। अच्छा, ये आशीष मिश्रा का रोल आया था, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर था वहाँ, तो क्या तो कुछ जिक्र किया था ये कि आशीष मिश्रा भी है कंप्यूटर ऑपरेटर जिसके माध्यम से हो रहा है, या कुछ मुलाकात हुई, फिर पैसा आपका कैसे वापस आया? नहीं, आशीष मिश्रा जब मैं 2,00,000 रुपए दिए थे तो आशीष मिश्रा भी था साथ में जी, और आशीष मिश्रा मेरे को बोला कि ठीक है आपका हो जाएगा, मैं ही करवा रहा हूँ जी। तो मैं बोला ठीक है, और जैसे मुझे मैंने थोड़ी सी मेरी पहचान भी थी, तो मैंने जब पता करवाया जी, ट्राई करके ने अभी लिया था वो घर, वो लड़का गरीब था तो वो मुझे जानता था अच्छे से, तो उसकी मैंने कुछ हेल्प की थी, तो बोला कि दादा ये फर्जी लोग हैं जी, आप अपना देख लीजिएगा क्योंकि इन पर मुझे भरोसा नहीं है। तो फिर मैंने पता करवाया वहाँ, तो पता चला कि ऐसा कोई प्रोसीजर ही नहीं चल रहा है जमीन वमीन का, या कि ये कोई अथराइज व्यक्ति नहीं है जिन्होंने पैसा जमा करवाया। हाँ, ये कुछ अथराइजेशन वाला काम ही नहीं है, मेरे पास तो इतना टाइम नहीं था, मैं पैसे दे दिया, पहचान में थोड़ा सा पहचान हो गई थी गेम खेलते खेलते जी। मुझे लगा ठीक ठाक आदमी होंगे, तो फिर बाद में मैं उनको दबाव बनाया, मैं बोला भाई पैसा दीजिए नहीं तो मैं FIR करूंगा। तो मेरा पैसा तीसरे दिन उन्होंने दे दिया था, जब मुझे पता चला उसके मैंने बता दिया भाई ये फर्जी है आपका, मुझे पैसा दीजिए। तो कौन पैसा फिर कौन वापस किया आपको? अतुल सिंह ने मुझे पैसे वापस किए। कुल मिलाकर जहां तक मेरा पूछने का सवाल यह था कि मतलब आशीष मिश्रा कंप्यूटर ऑपरेटर था, तो इसकी सह से ही अतुल सिंह कर रहा था, अतुल सिंह बाहर में जाता था तो सपोर्ट करता था आशीष मिश्रा, क्योंकि ये काम करता था दोनों का है, क्योंकि जब मैं फोन करता था तो ये बोलता था कि आशीष मिश्रा फोन बोलता था कि भैया आपका हो जाएगा, आपका यहाँ लटका हुआ है, वहाँ गया हुआ है। ये आशीष मिश्रा का सवाल हुआ जवाब हुआ करते थे? हाँ आशीष मिश्रा के, और मैंने इनको बोला था कि भाई मुझे अवैध तरीके का होगा नहीं चाहिए, मैं आर्मी में था रिटायर हो चुका हूँ बिल्कुल, अगर ऐसा कोई प्रोसीजर है तो वो जैसे ये हाउसिंग बोर्ड वाले नहीं चलते हैं 12-12 लाख के जो चलते हैं, हाँ, तो इनको साथ सब ले सकते हैं हाँ,
उसी हिसाब से, लेकिन बाद में पता चला कि वो किसी उनका था, वो कुछ जो गरीब लोग नहीं होते हैं, हाँ उनके लिए था, वो EWS के नाम से आया था। हाँ उनके लिए था। तो इन लोगों को पता था कि दादा रिटायर हो गया है तो दादा के पास पैसा है। कुल मिला के ऐसे लोगों को शिकार बनाते थे जिनको जरूरत होती थी या मकान लेना था हाँ मतलब और जिनको जरूरत होती थी, या फिर जानते थे कि जिनको जिनके पास पैसे हैं और ये चेक करने नहीं जाएंगे 2-4 लाख की चीजें, तो हाँ। वो उन्हीं को शिकार बनाने की तो कोशिश और करते। कुछ ऐसे लोग हैं आपके संपर्क में आए जिनको कि इन्होंने शिकार बनाया हो या संपर्क किए हो, जानकारी हो? और वही सुनील दादा बताए थे कि उनको भी, वो मुझे तो आइडिया नहीं था पहले, हाँ। मुझे बाद में पता चला कि उनसे भी पैसा लेके रखा था। सुना आपने, यह बिमल प्रताप सिंह थे जो आर्मी के रिटायर्ड जवान हैं, जिन्हें अतुल सिंह स्टेडियम में मिलकर अपने झांसे में लिया और उनकी गाढ़ी कमाई ठगने का प्रयास किया, लेकिन समय रहते उन्हें जानकारी हुई और उनका पैसा वापस मिल गया, जिनके द्वारा बताया गया कि उस ठगी के गिरोह में आशीष मिश्रा और अतुल सिंह शामिल हैं। अब आपको सुनाते हैं उक्त मामले में आशीष मिश्रा किस तरह से बात करते हुए यह स्वीकार कर रहा है कि अतुल सिंह की उससे बात होती थी, लेकिन अब पैसा दिलवाने पर अपना पल्ला झाड़ रहा है। हेलो सुशील, सुनील भाई साहब, ये कह रहा था, ये शैलेंद्र भाई साहब जो हैं, इनसे मैं मिला हूँ क्या एक बार? तो उस समय मैंने कहा कि भैया पैसा दे दो, अब जमा करवा दो, मैंने उसका प्रेम बताया कि जमा करा दो। ने बोला ना कि हम करवाते हैं। जिस दिन हमको रसीद मिली, हाँ, तो हम आप ये बताएं कि भाई हम बैठन में हैं, हम आ रहे ना, फिर देख के बताई थे क्या, हम बोले थे कि जमा करवा देंगे, हम पैसा दे दीजिए। हाँ यह बताइए वहीं कि हम अपना से कहे वो ठीक है, अच्छी बात की, हम मानी थे अपने बात की, कहे हैं ठीक है, पर ये तो मुझे क्लियर नहीं था ना कि पैसा आपका जमा है। अगर आपका जमा है तब मैंने बोला ना कि हम करवाते हैं। जिस दिन हमको रसीद मिली, हाँ, तो हम आप ये बताएं कि भाई हम बैठन में हैं, हम आ रहे ना, फिर देख के बताई थे। तो सुना आपने, पहले दोनों नटवर लालों ने मिलकर लोगों को झांसा देकर गाढ़ी कमाई लूटी, अब एक मोबाइल बंद कर लापता है तो दूसरा फरार को ही दोषी बनाकर अपना पल्ला झाड़ रहा है। आइए सुनाते इनके ठगी के शिकार हुए शैलेंद्र सिंह को और सुनील सिंह को कि किस तरह से झांसे में लिया और अब पैसे के लिए वह दर दर भटक रहे हैं। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र सिंह बघेल। आपके साथ कुछ ठगी हुई है नगर निगम में, आवास घर लेना चाह रहे थे, पूरा मामला बताइए, कैसे आप संपर्क में आए, फिर कैसे पैसा जमा किए, आप क्या नहीं, हुआ? ये प्रधानमंत्री जो नगर निगम द्वारा भवन निर्माण को कराया जा रहा था, हमने पेपर में भी पढ़ा था, तो हमने, हमारे चाचा ससुर हैं उनके संपर्क थे, तो उनसे बोले कि मिल जाता है, तो हमने पैसा इकट्ठा करके उनको पैसे दिए और हम खुद ही नगर निगम उनके साथ गए 5 बजे, वहाँ भी 2-3 लोग मिले, मिलवाए उन्होंने, टाइम ज़्यादा हो गया था तो रसीद नहीं कट पाई, फिर मार के अपने चाचा ससुर पैसे दिए, फिर वो दूसरे दिन जाके रसीद कटवा दिए, फिर जब दीपावली के समय पेपर में पढ़े कि आवंटित हो रहा है नया, तो हम गए वहाँ जाके, रसीद थी हमारे पास, तो दिखाए एस एल दहायक साहब थे, उन्होंने बोला ये तो फर्जी रसीद है। कितना पैसा स्टार्टिंग जमा किए थे, फिर कुल कितना पैसा जमा कर दिया, तो लास्ट में एक क्या कह एक बार तो 20,000 की रसीद कटी है, फिर एक फिर दोबारा 32,500 की, फिर 1,87,500 की, टोटल अभी वो 2,90,000 रुपये ले चुके हैं। कब से शुरू हुआ था ये पैसा जमा? मार्च से, मार्च 2000, यही मार्च 2022। अब क्या कहता है वो, जब आपने पता किया कि अब तो नहीं नंबर मिला? ही बंद है। कौन है वो, कहाँ का अतुल सिंह है उनकी, अतुल सिंह बघेल ही हैं, उनकी सिस्टर यहाँ ब्यूटी क्वीन से वो ब्यूटी पार्लर खोल रखी है आपके क्षमा होटल के सामने। तो नगर निगम वाले क्या कहते हैं जब आप नगर निगम गए कि हमको नहीं आवंटित, तो क्या बोला? वो बोले आप किस दलाल के चक्कर में पड़ गए हैं, ये फर्जी रसीद है, हमारे द्वारा ये नहीं काटा गया है। तो आप बोले कि रसीदें तो नगर निगम जैसे ही लगती हैं सेम, तो नगर निगम की जवाबदारी होती है, क्या वहाँ उन्होंने बोला जिसको आप पैसे दिए हैं आप उनको बुला के लाइए, अब वो व्यक्ति नहीं मिल रहा, वो व्यक्ति मिल ही नहीं रहा है और नंबर भी बंद है, अब क्या करेंगे आप? अब हम यही चाहते हैं कि हमारा जो पैसा वो रिटर्न हो और उसके ऊपर कार्रवाई हो। कैसे व्यवस्था करके आपने पैसा दिया था, घर हो जाए? हम खेती किसानी करते हैं तो उसी से हम पैसे इकट्ठा किए। कुल कितना पैसा ले गया आपको? 2,90,000 रुपये। आपके समाज है कुछ ठगी का मामला आया नगर निगम से,
आवास दिलाने के नाम पर, कैसे संपर्क में आया, कैसे आपने इनको प्रपोज को कैसे फीस जमा करके, पूरा मामला क्या है, कैसे क्या हुआ था कि अतुल सिंह बघेल जी हैं, पिछले 7-8 सालों से जान पहचान हम लोगों की थी, हमारा एक्चुअली कंप्यूटर जाबर का काम है और भी हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का भी काम है, तो उसके थ्रू आना जाना उनका था, जान पहचान हुई थी। और उन्होंने एक बार बताया था कि भैया नगर निगम का आवास का या कोई ऐसा काम होगा तो बताइएगा, हमारे बहुत सारे वहाँ लोग जान पहचान के हैं, ऑपरेटर हैं, तो हो जाता है। तो इसी जब दौरान क्या हुआ, हमारी भतीजी ने दबाद ने बोला कि चाचा जी कोई वहाँ पर, ये लोग बैकुंठपुर तिलखन के पास रहने वाले हैं गाँव के, उन्होंने बोला कि वहाँ पर कोई है तो हमको व्यवस्था करा दीजिएगा। उनने चूँकि बोला था, फिर मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा हो जाएगा, उन्होंने बोला, फिर मैंने इनको आके मिलवाया उनसे, पार्ट पार्ट में उनको पेमेंट दिया। और जब उनको बताया मैंने कि है ना कि ये भैया मिले हैं और उनके थ्रू हो जाएगा आपका काम, तो उन्होंने बोला ठीक है। तो फिर हमने आपको मिलवा के उनको भेजा, साथ में नगर निगम भेजा, पैसे के लिए भेजा। उन्हें प्रथम जो ऐसे बुकिंग के समय 20,000 रुपये लगता है, वो उनने पहले जमा किया, और ये सारा पैसा मैं अतुल सिंह को ही दे रहा था। 3 लाख रुपए छोटा अमाउंट नहीं होता। हाँ, संपर्क नहीं किया नगर निगम की कर्मचारी, एक्चुअली क्या था वो इतने दिनों से, एक तो हमारे यहाँ उनका आना जाना था तो लगता था कि विश्वसनीय व्यक्ति है और अच्छा लड़का था, इतने दिनों से कभी ऐसा कुछ संदिग्ध लगे नहीं है हमको वो। अच्छा, वहाँ पर उनने एक दो काम भी कराए थे, जैसे कभी हमने किसी का समग्र आईडी जोड़ना, घटाना, नाम काटना, कुछ भी करना बताया था तो उनने वो करवाया था, तो ये तो पता था कि हाँ इनका कोई नगर निगम में है, नगर निगम संपर्क है। वहाँ एक लड़के का नाम उनने बताया था, आशीष मिश्रा, उनका उन्हें मोबाइल नंबर भी दिया था, मैं उनको आशीष मिश्रा को भी एक दो बार कॉल किया था, तो आशीष मिश्रा भी बाद में बताने लगे कि नहीं शायद कुछ गड़बड़ है। तो और हमारी बेटी दामाद जो है, ये धनतेरस के आसपास जब ये आवंटन होने का नाम आया कि सबको आवास मिलने वाला है, तो तब ये नगर निगम जब गए तब तो ये जाके पता चला कि नहीं ये सब रसीदें फर्जी दी जा रही हैं, नहीं तो हमें तो पता ही नहीं था। एक्चुअली ये समझ में आया है कि ये पूरा एक गिरोह है, ये पूरा का पूरा गिरोह है। जब इसमें गिरोह के एक दो सदस्य जब ये पकड़े जाएंगे, मिलेंगे, तब ये एक दूसरे को मतलब पूरी तरह से नाम बताएंगे, क्योंकि ये संपर्क किया आपने कहीं पर? हाँ हाँ, वहाँ पर गए, पूछे तो उन लोगों ने बोला कि आप जिनको पैसा दिए उनको ढूंढो, वो तो सीधा यही बोल के पल्ला झाड़ लेते हैं। जब अच्छा बिल्कुल नगर निगम के कर्मचारियों को पूरी तरह से मिली भगत है, क्योंकि वो जो वहाँ पर बताया कि बहुत सारे संविदा के तौर पर जो कंप्यूटर ऑपरेटर रखे गए हैं उनका कोई वहाँ पुस्तैनी तो काम है नहीं, लेकिन वो वहाँ पर पूरी तरह से अपनी साख जमाए हैं और इस तरह से ठगी का काम कर रहे हैं, और पूरा का पूरा गिरोह है वहाँ पर। और आगे भी आपके चैनल के माध्यम से हम सूचना दे रहे हैं, प्रशासन को भी सूचना दे रहे हैं कि थोड़ा इसमें तत्पर रहें और देखेंगे, नहीं तो लास्ट में तो हमको FIR करना ही है, जाके हम FIR करेंगे और आपके माध्यम से बार बार हम इसको प्रार्थना करेंगे कि हमारा बेटी दामाद जो ठगी के शिकार हुए उनका पैसा मिल जाए। देखा आपने, हर व्यक्ति को शहर में आसियानों की आशा रहती है, उसी आशा को साकार करने के लिए शैलेंद्र सिंह ने अपनी गाढ़ी कमाई एकत्र की और जालसाज उन्हें किस तरह से झांसे में फंसाकर ठगी की, और अब वह परिवार सहित नगर निगम और पुलिस मीडिया के चक्कर लगा रहे हैं। अब देखना यह है कि आरोपी उन्हें पैसा देते हैं या पीड़ितों को कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लगाने पड़ते हैं। अपने आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ, और ऐसे ठगों से सावधान रहें। हमें दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।